का कान है जहाँ पर अल्लाह साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब क्या कीमत इसकी बता रहे हैं लोगों को, कितने की? 5 लाख रुपए कीमत बता रहे हैं। गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता है और चारपाई पे ही बैठता है और बता रहे हैं कि ये तकिया लगाकर ही सोना पसंद करता है। कहीं ना कहीं ये लोग बाग इसको आकर देख भी रहे हैं। बकरीद के मौके पर आपने कई ऐसे जानवर देखे होंगे जिन पर ये मशहूर हो जाता है कि कान पर या फिर पेट पर किसी बकरा हो या और दूसरा जानवर हो जिसकी कुर्बानी की जाती है उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। तो आपको बता दें इस वक्त टाइम 24 न्यूज़ की टीम मौजूद है बुलंदशहर के आड़ा गाँव में। आज हम आपको ऐसा ही बकरा दिखाने जा रहे हैं जिसके कान पर और पेट की साइड पर अल्लाह लिखा हुआ है। सहयोगी से कहूँगा उस बकरे को दिखाएं। इस बकरे की आदत है कि ये सरपाई पर ही ऊपर बैठता है और तमाम साफ सुथराई में बैठने पसंद करता है। जहाँ साफ़ हो उसी पर बैठना पसंद करता है। और ये इसका कान है जहाँ पर अल्लाह साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साइड में भी अभी ये फ़िलहाल दूसरी तरफ से बैठा हुआ है। कोशिश करेंगे कि विजुअल में आपको दिखा दें, इस बकरे को ठीक से दिखाएं। पहले सहयोगी से कहूँगा कि ये वो बकरा है, एक तो साफ सफाई में बैठना पसंद करता है और इसके कान पर अल्लाह लिखा हुआ है और साइड में भी अल्लाह लिखा हुआ है। और अभी बात करके जो इसको पाल रहे हैं अतीक साहब, उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये बकरा इनकी बकरी ने इसको जना था या फिर ये इन्होंने ख़रीदा है। आप इधर आ जाएँ थोड़ा सा अतीक साहब। अच्छा ये बताइए, जो बकरा है आपका, बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत बकरा है ये बताइए कि ये बकरा आपका, ये बकरी ने दिया था क्या? ये बकरी ब्याई थी हमारी, यहीं कई 15 साल से पालते हैं बकरी। अच्छा। तो यहीं पे ब्याई थी, 2 साल का बच्चा होगा करीब। तो इसके साथ और भी बच्चे हुए थे? नहीं, इसके साथ एक पठिया हुई थी। अच्छा। और एक बच्चा ये बकरा हुआ था। तो उसके कान पर कुछ नहीं देखा गया? बस कान पर कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए, आपको कैसे मालूम हुआ कि इसके कान पर या साइड में अल्लाह लिखा? मतलब मालूम ये पड़ी थी, इमाम मस्जिद के आए थे, वो प्यार करा लो, बड़ा मलूक बच्चा आपका ये, और उन्होंने जो हाथ में कान पर उनकी निगाह पड़ गई, उन्होंने इस पर अल्लाह लिखा हुई है। फिर हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं उर्दू, उन्होंने उन्हें बताई तो वो भी खुशी के मारे देखने पहुंच गए, तो अल्लाह लिखा हुई उन्होंने बताई, नहीं तो सपा बिल्कुल अल्लाह का नाम आ रहा है लिखा हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके, जो आपने मान लीजिए इस बकरे को जब देखा, जब इस पर अल्लाह लिखा हुआ, तो कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे पास? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी महसूस नहीं। अच्छा ये बताइए, आपसे जब आपको इन लोगों को पता पड़ा होगा, क्योंकि अब मशहूर हो गया ये बकरा, गांव में भी आते रहते हैं लोग, आप क्या कीमत इसकी बता रहे हैं लोगों को, कितने की? 5 लाख रुपए कीमत बता रहे हैं। 5 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। लोग बाग जो आकर लगा रहे हैं, क्या कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 80 लगा रहा है, कोई 60 भी लगा रहा है, एक कीमत लगा रहे हैं। हम जो ज़्यादा से ज़्यादा देगा हम उसको दे देंगे। आपने जो अपना मिजाज बनाया हुआ वो ये कि जो ज़्यादा से ज़्यादा देगा उसी को ये दे देंगे, उसी दे देंगे हम। अच्छा, जो पेट पर जो देखा था, या आपने जब कान पे देखा होगा उसके बाद पेट पर देखा होगा? हाँ जी, उसके बाद। कितने टाइम से आप काम बकरों का कर रहे हैं? हाँ 15 साल होगी जी। 15 साल में पहली बार ऐसा मौका मिला जी? पहली बार मौका मिला ऐसा जी। तो बहुत अच्छी बात है। अभी कितने साल का होगा करीब? ये 2 साल का होगा। 2 साल का? हाँ जी। नीचे बैठ के खाता है या ऊपर ही खाता? हाँ जी, ऊपर ही खाता, बैठ के ऊपर ही बैठ। हाँ जी, बकरी पे या इस पे चारपाई पे ही बैठता? बैठता अंदर गद्दे पर सोता, जैसे गर्मी का टाइम है पंखे में सोता गद्दों पर बैठ के। हालांकि इंडिकेट ये भी किया जा रहा है, आपको बता दें, क्योंकि साइड में इसके अल्लाह लिखा हुआ है दूसरी साइड में, तो इसको कुदरती एक आदत ये भी है कि वो नीचे ज़मीन पर बैठना पसंद नहीं करता है, चारपाई पे ही बैठता है, पेशाब भी बाहर जाकर करता है। इसको खुद को इतनी समझ है क्योंकि इसकी दूसरी साइड में जिस करवट से बैठा हुआ है, सहयोगी से कहूँगा दिखा दें, जिस करवट से ये बैठा हुआ है उस करवट में भी अल्लाह लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो ज़मीन पे बैठना पसंद नहीं करता। ये कुदरती इसके अंदर आदत है क्या? एक बार जी हाँ, कुदरती आदत है इसकी। अच्छा, आपने कुछ आदत नहीं डाली? नहीं, हमने नहीं डाली, अपना बैठता है, बाई चांस उठा में तो फिर बैठ जाता है जाकर दोबारा से। अच्छा अच्छा, ये चारपाई पे ही बैठता है? हाँ, चारपाई पे बैठता। अच्छा अच्छा, जी तकिया लगा के सोता है? तकिया लगा? हाँ जी, गद्दे पर तकिया लगा के उस पर सो जाता है, बिल्कुल लंबा होकर सिर धर के तकिए पर सो जाता है। हाँ जी, देखिए हैरत अंगेज कर देने वाली बात है, जिस करवट से ये बकरा बैठता है उस करवट पे भी अल्लाह लिखा हुआ है, तो इसके अंदर इतनी समझ है कि मुझे उस करवट से नहीं बैठना है, गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता है और चारपाई पे ही बैठता है, और बता रहे हैं कि ये तकिया लगाकर ही सोना पसंद करता है। कहीं ना कहीं ये लोग बाग इसको आकर देख भी रहे हैं, क्योंकि एक गाँव के अंदर एक मशहूर ये बकरा हो चुका है। अच्छा, कोई नाम भी दिया क्या आपने इसको? शेरा, शेरा नाम है इसका। शेरा नाम? हाँ जी, शेरा। अच्छा, ये शेरा है जिनका नाम रखा गया शेरा, और कीमत इसकी इनकी जो इनकी तरफ द्वारा लगाई जा रही है वो 5 लाख रुपए की। हालांकि ये लोग बाग अपने अपने किस्म की यहाँ पर कीमत लगा रहे हैं। इस वक्त भी ये बादाम खा रहे हैं और जो खा रहे हैं, सही को इसे कहूँगा दिखा दें एक बार। ये शेरा इस वक्त बादाम खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, और
बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है। अच्छा, गर्मी में सो जाते हैं? बिल्कुल सो जाते हैं, गर्मी में लंबे होकर तकिया लगा सो जाते हैं गद्दे पे। उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठते हैं, बस पेशाब आता है, नालीफ करने चले जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो रात में ये बंद है गेट, तो क्या करते हैं? नहीं जाते ना आए, जाते ही नहीं। अच्छा, कभी जी करा था छत पर चले जाते हैं घूमने को, अच्छा फिर आ जाते हैं, फिर अपने चरपाई पर लेट जाते हैं। नीचे तो पसंद करते ही ना है कतई भी, उठाने की कोशिश करे तो उठते ही ना है, उठते नहीं, नहीं उल्टे सींग मारते हैं। अच्छा जी। अच्छा, बच्चे वगैरह को परेशान तो नहीं करते? हाँ, ना जैसे कोई सब परेशान कर उठ जा लूँ तो उठता ना, सींग मारते हैं, चलाते हैं ऐसे सींगों को, तो फिर कोई कुछ नहीं कहता इनसे, नल पर पानी पीता है जाकर। अच्छा। हाँ, मर्जी में आएगा खाएगा, मर्जी में आएगा नहीं खाएगा, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से खाता, कुछ भी चीज़ खिला दो इसको, जो इसकी मर्जी ना होगी तो खाएगा ही ना, ये जो मर्जी में आएगा वही खाएगा। इसकी बालों पर भी एक अलग चमक देखी जा रही है, और लोग बता रहे हैं यहाँ पर आते हैं तो इसको देखने के लिए भी आते हैं लोग बाग, जिनको पता चलता है कि ये, और इसके अंदर हैरत अंगेज, हैरत में डाल देने वाली आदतें हैं। ऊपर बैठना पसंद करता है, और जो जिस करवट से अल्लाह लिखा हुआ, कभी गंदी जगह पर नहीं बैठता है, पानी पीता है और बाहर ही जाके पेशाब करता है। अब आपसे दोस्तों एक सवाल मेरा ये है, क्या कभी आपने ऐसा बकरा देखा है और इतनी कीमत का बकरा देखा है? और अगर आप इस बकरे को देखना चाहेंगे तो बुलंद शहर के आड़ा गांव के अंदर है, और अगर आप इसको खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं। क्या खरीदने के लिए आ जाएं लोग बाग? हाँ जी, खूब आ रहे हैं, आ सकते हैं। हाँ जी, आ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो को देखकर आना चाहें तो आ जाएं? हाँ जी बिल्कुल, कोई ऐतराज नहीं, आओ, कोई भी आ सकता। कौन सा गाँव है आप? ये आड़ा गाँव है जी, बुलंद शहर। हाँ, बुलंद शहर के धोरा आड़ा गाँव है, जेल के पास। ये आड़ा गांव है, आप यहाँ पर आकर इस बकरे से मिल भी सकते हैं, और अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो इसे खरीद भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने खरीद बेचने के लिए ही इस बकरे को पाला है। खैर, हैरत में डाल देने वाली आदतें इसके अंदर कुछ ऐसी हैं कि वो इंसान की तरह ही सोना पसंद करता है, चारपाई पे ही बैठना पसंद करता है, और बाहर जाकर पेशाब करना पसंद करता है। अगर आप आना चाहते हैं तो इस गाँव में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन शुएब और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं याया खान, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।